राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि ओपीडी के समय न्यूरोलॉजी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जूनियर को हॉस्टल में ताश के पत्ते खेलने के लिए दबाव बनाते हैं। इन स्टूडेंट्स की प्रताड़ना से तंग आकर जूनियर ने यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। जूनियर स्टूडेंट्स का आरोप है कि सीनियर उनके साथ अभद्रता करते हैं, उन पर व्यक्तिगत काम कराने का भी दबाव बनाते हैं। रैगिंग के नाम पर कुछ स्टूडेंट्स को तमाचे भी मारे जाते हैं। जूनियर स्टूडेंट्स ने यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पर रविवार शाम 6:10 पर शिकायत दर्ज की। यूजीसी ने मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर और यूनिवर्सिटी से गांधी मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी को जांच करने के आदेश दिए हैं। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, छात्र ने यूजीसी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, यूजीसी ने एंटी रैगिंग को ये आदेश दिया है कि आप जाएं चेक करें कि आखिर क्या हालत है और क्यों इस तरह की शिकायत आई है। बिल्कुल, आज शाम को ये शिकायत हुई है और आज ही जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो जूनियर छात्र है उसका ये आरोप है कि लगातार गांधी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग ली जाती है। उसमें कई तरह के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें ये भी आरोप लगाया गया है कि जो सीनियर है उनका काम करने के लिए भी प्रेशर बनाते हैं। इसके साथ ही जो जूनियर छात्र है उसने अपनी शिकायत में ये भी लिखा है कि जब इस पूरे मामले की जांच हो तो पूरे तमाम जो आरोप है उसके सबूत भी पेश करेगा। फिलहाल आज ये शाम को शिकायत दर्ज हुई है, जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संभवतः कल इस पूरे मामले में जो जांच होगी और जिस तरह जूनियर छात्र ने यह दावा किया है उसके पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिसमें रैगिंग करने की उसने आरोप लगाए हैं। तो जिस तरह से दावा किया जा रहा है, माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए।